हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे फ़ोन पे जो हमारा ऑटो टॉपअप वाला ऑफ़र दिया हुआ था, वो ऑफ़र को अगर हमने लूट लिया है, इसका मतलब है कि इसका सारा कैशबैक अर्न कर लिया है, तो अब हम वो आगे तो ऑटो टॉपअप नहीं चलाना है, तो उसको हमें कैंसिल कैसे करना है। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरा फ़ोन पे है यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे अपना फ़ोन पे खोलते हैं तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले स्क्रीन पे ऐसा शो हो जाता है। तो यहाँ रिवार्ड सेक्शन में जाके हम अपना ऑफ़र पहले देख लेते हैं, मेरा ऑफ़र क्या था। तो ऑफ़र सेक्शन में जाके देखेंगे तो ये वाला मेरा था कि 200 रुपये कैशबैक मुझे मिलना था। तो सबसे पहला ऑटो टॉपअप पे मुझे 50 रुपये का कैशबैक था और बाकी का नेक्स्ट 6 ऑटो टॉपअप पे 25 रुपया था। तो यहाँ पे मेरा पहला ऑटो टॉपअप जो हुआ था उस पर 50 रुपया, और उसके बाद नेक्स्ट जो 6 ऑटो टॉपअप हुआ उस पर मुझे 25-25 रुपया कैशबैक मिल गया है, जो कि जब कंप्लीट होने के बाद उससे मेरा 7 ऑटो टॉपअप होने के बाद मुझे यहाँ कैशबैक मिल चुका है। तो इसको अगर हमें कैंसिल करना है तो यहाँ ये देख लेते हैं, पहले हमें मिल चुका है। तो यहाँ अगर हम नीचे ट्रांजेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर मुझे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम कैशबैक पे जाएंगे तो यहाँ मुझे सबसे पहला ऑटो टॉपअप पे 50 रुपये 14 जुलाई को, उसके बाद अगले नेक्स्ट 6 ऑटो टॉपअप पे मुझे 25 25 25 25 25 6 मिल चुका है, यानी टोटल मिला के मुझे 200 रुपये कैशबैक मिल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इस ऑटो टॉपअप को ख़त्म करना है। तो इसके लिए पहले हम देखिए, लास्ट ऑटो टॉपअप मेरा यहाँ अभी हो गया है कंप्लीट, 500 रुपये का ऑटो टॉपअप पे मुझे 25 रुपये कैशबैक मिला, कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए फिर हम होम पे जाएंगे इसको कैंसिल करने के लिए। होम पे जाने के बाद मनी सेक्शन में जाएंगे तो फिर हमें यहाँ पे ऑटो पे ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट वाले पेज पे बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर ऑटो पे, या हम फ़ोनपे वैलेट पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। तो यहाँ हमें ऑटो पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या फ़ोन पे, दोनों में से अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किस जिस भी चीज़ का ऑटो पे सेट होगा वो आ जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ से रिमूव यहाँ पे क्लिक करके हम ऑटो पे सेटअप जो मुझे आज लास्ट 23 तारीख को हो गया है, यहाँ रिमूव ऑटो पे कैंसिल कर सकते हैं। यानी तो यहाँ पे फ़ोन पे वैलेट ऑप्शन पे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे हमारा आज का हुआ वो ऑटो पे टॉपअप यहाँ शो कर जाएगा। फिर यहाँ पे मैनेज ऑटो टॉपअप पे क्लिक करेंगे, इस पेज पे हमें यहाँ से अगर हम व्यू ऑटो पे डेबिट हिस्ट्री पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें अपना सारा जो जो डेबिट हुआ है वो सारा शो कर जाएगा। अब हमें आगे इसको नहीं कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे हमें रिमूव ऑटो पे ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे यहाँ लिखा जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव ऑटो पे, वंस रिमूव ऑल फ्यूचर ऑटो पे डेबिट विल नॉट बी प्रोसेस। मतलब कि अगर अभी यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे तो आगे हमारा ऑटो टॉपअप नहीं होगा। नोट में लिखा हुआ है, ऑटो पे डेबिट ऑलरेडी इन प्रोग्रेस एंड सेंड टू योर बैंक विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस चार्ज। अगर आपका अभी थोड़ा सा भी लेट हो गया तो ये आपका दिक्कत नहीं है, कटेगा नहीं। अगर यहाँ पर हम कन्फर्म कर देंगे तो ये ऑटो टॉपअप हमारा रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ से कंफर्म करेंगे तो ये हमारा ऑटो टॉपअप सक्सेसफुली ख़त्म हो चुका है। ऑटो पे कैंसिल हमारा यहाँ ऊपर में लिखा जाएगा, जो हमारा जैसे 23 तारीख को डेबिट होना था आगे। तो अब यहाँ पे हमारा ऑटो पे सेटिंग ख़त्म हो चुका है। अगर हम यही अगर हम बैग जाके आप फ़ोन पे वैलेट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर हमारा ऑप्शन कुछ नहीं शो करेगा। अब यहाँ से हम डायरेक्ट अपना एड मनी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था ऑफर जो मैं जानकारी देना था। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।